फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर कैंपस चैनल। मैं कुंदन, आपका ट्यूटर। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रिसर्च का ऑप्शन एमएस एक्सेल में, जो कि रिव्यू टैब में आपको मिलेगा। और इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको रिव्यू टैब का ही एक ऑप्शन बताया था, थेसर्स और ट्रांसलेशन, जो कि वो दोनों ऑप्शन आपको रिसर्च के अंदर मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे कि रिसर्च ऑप्शन में ट्रांसलेशन कैसे यूज करना है, थेसर्स कैसे यूज करना है। तो ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्लासेस में बताऊंगा। आप दोनों क्लासेस देखिए, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि वीडियो के शुरू में आपको थ्योरी क्लास मिलेगा और वीडियो के लास्ट में प्रैक्टिकल क्लास मिलेगा। तो अच्छे से समझने के लिए पूरा वीडियो देखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि पूरा वीडियो देखने के बाद आप क्या क्या सीखेंगे, यानी वीडियो की ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आज आप जानेंगे रिसर्च ऑप्शन जो एमएस एक्सेल का है वो क्या है और कैसे ये काम करता है, उसका एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा और फिर उस एग्जांपल को एक्सेल में आपको करके भी दिखाऊंगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं और वीडियो में देखते हैं कि क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं रिसर्च करने के लिए। तो ये बिल्कुल ट्रांसलेशन और जो थेसर्स की वीडियो मैंने बनाई थी, अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के डीसीए प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। बिल्कुल पिछले वीडियो में मैंने बताया है उसे, तो कुछ नया नहीं है, लेकिन इसमें रिसर्च है। रिसर्च का मतलब होता है बार बार खोजना, कोई नई चीजें खोजना, कोई अच्छी चीजें खोजना। तो निश्चित तौर पे थेसर्स और जो हमारा वो ऑप्शन है ट्रांसलेशन का, इट इज ए पार्ट ऑफ रिसर्च। आपने देखा होगा कि ट्रांसलेशन में भी जो डायलॉग बॉक्स खुलती है उसका टाइटल रिसर्च है, और थेसर्स में भी जो डायलॉग बॉक्स खुलता है उसका भी रिसर्च ही टाइटल होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि दोनों ऑप्शन कैसे यूज करना है। स्टेप बड़ा क्लियर है, आपको पहले क्या करना है कि कोई भी वर्ड सेल में आप इंटर करो, उसके सेल को सिलेक्ट करो, रिव्यू टैब पे जाओ और वहां पे रिसर्च का ऑप्शन आपको दिख जाता है। रिसर्च का ऑप्शन देख के उस पर क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आपको खुलेगा, ये जो आप देख रहे हैं। अब इस डायलॉग बॉक्स का सबसे अच्छा फीचर क्या है कि इसके अंदर आपको थेसर्स भी मिल जाते हैं और ट्रांसलेशन भी मिल जाते हैं। तो आप कोई भी वर्ड जो टाइप किया हो एक्सेल में, आप यहाँ भी टाइप कर सकते हो। इस यहाँ पे आप कोई भी वर्ड, मतलब टाइप एनी वर्ड टू सर्च, यानी कोई भी वर्ड या फ्रेज या सेंटेंस कुछ भी इस तरह का आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, और फिर इस पर क्लिक करके ग्रीन बटन पे जो है उस पर क्लिक करेंगे आप, तो आपको इस तरह का ऑप्शन खुलेगा। अब यहाँ पे आप देखो, ये जो ऑप्शन है ये थेसर्स का है, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, मेरे माउस पॉइंटर पे ध्यान दो, माउस पॉइंटर जहाँ पे मूव कर रहा है वहां पे ध्यान दो। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो ये नीचे की ओर खुलेगा और बड़ा एक बड़ा कलेक्शन होगा, जिसमें ये वर्ड से रिलेटेड सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। वहां पे आपको वर्ब, नाउन, हर तरह का, इवन आपको फ्रेज वगैरह भी मिल जाता है। तो हर तरह का नया नया वर्ड आपको इस वर्ड से रिलेटेड मिल जाएगा। सपोज अगर मैं चाहता हूँ कि गो लिखना है, मुझे कोई लाइन में गो लिखना है, तो मैं चाहता हूँ गो न लिख के गो से रिलेटेड कुछ अच्छा वर्ड हो, कुछ सुनने में देखने में नया हो, तो वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, रिसर्च करके देख सकते हो। उसी तरीके से यहाँ पे ट्रांसलेशन का ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे वो जो गो लिखा हुआ है या कोई भी वर्ड लिखा हुआ है वो इटालियन में कैसा दिखे या फिनांस में, उर्दू में कैसा, मतलब वो ट्रांसलेट करके आप उर्दू में कैसा दिखेगा और वो आप वहाँ दिखाना चाहते हो एक्सेल में कि वो वहाँ पे उर्दू में ही दिखे, तो आप यहाँ से इजिली ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको बताया इसकी थेसर्स और ट्रांसलेशन दोनों की अलग अलग वीडियो मैंने बताई है आपको, इसीलिए कि आपको अच्छा से समझ में आए। और यहाँ पे रिसर्च में आप इस दोनों ऑप्शन को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप सीधा समझो कि ये जो थेसर्स ऑप्शन और ट्रांसलेशन ऑप्शन है, ये दोनों किसका पार्ट है, रिसर्च का ही पार्ट है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल क्लास में, वहां पे मैं आपको ये दोनों ऑप्शन रिसर्च के अंदर यूज करके बता देता हूँ, एक्सेल में आपको करके एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और ये जो बेसिक स्टेप और जो चीजें मैंने अभी बताई उसे आप नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल क्लास में, जहाँ पे एक एग्जाम्पल एक लाइव डेमो में आपको दूंगा रिसर्च से रिलेटेड और एमएस एक्सेल के अंदर हम लोग ये सारा काम करेंगे। तो चलिए, और इससे पहले कि हम लोग प्रैक्टिकल क्लास में चलें और एक्सेल में रिसर्च का मैं आपको डेमो दूं, आप हमारे चैनल से सब्सक्राइब हो जाइए। अगर आप नए यूजर हैं, आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल से सब्सक्राइब होइए और बेल आइकन पे क्लिक करिए। बिल्कुल यहाँ पे आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है, आप बिल्कुल फ्री हैं, आप नए हैं, इससे घबराना नहीं है, आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। इससे होगा फायदा, इससे आपको फायदा ये होगा कि जितनी भी वीडियो नई नई हम लोग बनाएंगे ना, वो वीडियो आपको सर्च नहीं करना होगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो वीडियो अपने आप आपके पास पहुंच जाएगा नोटिफिकेशन से, जिससे कि आप आसानी से उसको देख सकते हैं, ठीक है। और जितने लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको वीडियो पसंद आ रही है, बातें समझ में आ रही है, तो लाइक कर दो
और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा। अगर कोई डाउट प्रॉब्लम आपका होगा किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, और शेयर कीजिए इसको दूसरे को भी, इस वीडियो को दूसरे को भी बताइए शेयर करके, अगर आपको लगता है कि इसको शेयर करना चाहिए। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम लोग एक्सेल में, और वहां पे क्या करते हैं, रिसर्च का ऑप्शन जो कि रिव्यू टैब में है उसका एक एग्जांपल मैं आपको करके बता देता हूँ। वेलकम टू प्रैक्टिकल क्लास ऑफ दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं रिव्यू टैब ऑप्शन रिसर्च, और इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको रिसर्च और ट्रांसलेट ऑप्शन बताया है, और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप देखो रिसर्च पे भी, अगर आप थीसिस पे भी क्लिक करोगे तो वो रिसर्च का ही डायलॉग बॉक्स खुलता है, अभी मैंने आपके सामने खोला है ना। अगर आप ट्रांसलेट पे भी क्लिक करते हो तो रिसर्च पे ही वो रिसर्च नाम का ही डायलॉग बॉक्स खुलता है। मतलब रिव्यू टैब में जो आपका ये तीनों ऑप्शन है, ट्रांसलेट, थीसिस और रिसर्च, ये तीनों एक ही है लेकिन सर्विसेज सबके अलग अलग हैं। रिसर्च के अंदर थीसिस और ट्रांसलेशन दोनों आ जाते हैं, और ट्रांसलेट में आपको केवल ट्रांसलेट का ऑप्शन मिलता है, और थीसिस में आपको केवल थीसिस का, यानी कि वर्ड के सिनोनिम और एंटोनिम से रिलेटेड आपको ऑप्शन मिलता है ना। तो ये दोनों सर्विसेज मिलके ही रिसर्च बनती है। अगर आप चाहते हो कि ट्रांसलेट भी करें और वर्ड का सिनोनिम और एंटोनिम भी फाइंड आउट करें तो उसके लिए आपको रिसर्च ऑप्शन यूज करना चाहिए। इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये खुल गया, आप चाहो तो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो, जैसे मैंने अभी किया ड्रैग करके, ठीक है, और ऐसे यहाँ पे एक्सेल के सीट में आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे सपोज यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ऑल रेफरेंस बुक्स का यूज करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो थीसिस का भी आ रहा है, थीसिस यूके, थीसिस फ्रांस, ट्रांसलेशन, तीनों ऑप्शन आ रहा है। मैं किस वर्ड को सर्च कर रहा हूँ, कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर वर्ड है उसको मैं यहाँ से सर्च किया तो ये ऑप्शन आ रहा है। अगर आप थीसिस देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए, ये बता रहा है कि कंप्यूटर के अंदर क्या क्या होता है, प्रोसेसर्स होते हैं, सीपीयू होता है, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी वर्ड है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। सपोज अगर आप सीपीयू से रिलेटेड रिसर्च करना चाहते हो तो सीपीयू पे क्लिक करो, सीपीयू से रिलेटेड बता रहा है आपको क्या क्या सर्च, क्या क्या चीज़ें हैं। उसी तरीके से अगर आप सीपीयू से रिलेटेड ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि सीपीयू को रशियन में क्या कहा जाता है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं करना है तो इसको क्या कीजिए, यहाँ से क्लिक कर दीजिएगा तो आपको मिनिमाइज हो जाएगा, है ना। तो मेरे इस वीडियो में बताने का मकसद इतना ही था कि अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने थीसिस देखा जो कि किसी भी वर्ड का एंटोनिम सिनोनिम्स आपको देता है ना, और उसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रांसलेशन का ऑप्शन देखा था, और इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि रिसर्च का जो ऑप्शन है रिव्यू टैब में, जो आप रिसर्च देखते हो उसके अंदर ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, यानी आप दोनों को यूज कर सकते हो एक साथ। ठीक है, अगर आप ट्रांसलेशन करते हो तो केवल आपको ट्रांसलेशन का ऑप्शन मिलता है, अगर आप थीसिस करते हो तो केवल थीसिस का ऑप्शन मिलता है, लेकिन अगर आप रिसर्च ऑप्शन को यूज करोगे जो मैं आपके सामने अभी कर रहा हूँ तो उसके अंदर ये दोनों चीजें आपको मिल जाती है, जो वही बात मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप नाउन सेलेक्ट, नाउन सर्च करो, वर्ब सर्च करो, जैसे मान लो अगर आप लर्न सर्च करना चाहते हो तो एलियड लर्न लिख के आप उस पर क्लिक करो, है ना। अब ये सर्चिंग ऑप्शन आ रहा है, देखो क्या बता रहा है, ये वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है, स्टडी, ऑब्जर्व, एक्वायर, बहुत सारी चीजें आ रही है यहाँ पे। आप देखो नीचे इसको और यहाँ से ड्रैग करो, बहुत सारा चीज बता रहा है, देखो यहाँ पे है ना, बी टॉट, बी ट्रेंड, है ना, डिक्शनरी, अलग अलग डिक्शनरी का फॉर्म है, ठीक है, गेन नॉलेज, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो और ट्रांसलेशन यूज करना है तो इस पर क्लिक करके देख लो कैसे ट्रांसलेशन करना है ना। तो ये चीजें हैं, आप पूरा का पूरा सर्च करो, रिसर्च करो और इसका यूज करो। आप देखो इसका मेन पर्पज क्या है कि कोई वर्ड अगर आपके डॉक्यूमेंट में आपको लिखना है ना, सपोज कोई भी वर्ड लिखना है आपको, है ना, तो आप चाहते हो जैसे गो लिखना है ना, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ इसका यूज कहाँ करना है, गो लिखना है। अब आपको लग रहा है कि नहीं गो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा इसका इनोवेटिव कुछ नया वर्ड हो, कुछ यूनिक वर्ड हो, तो आप क्या करो यहाँ पे गो लिख के सर्च कर लो। ठीक है, अब गो लिख के सर्च किया, यहाँ पे थीसिस पे क्लिक करो, ठीक है, यहाँ पे यहाँ से गो पे जाओ, देखो यहाँ पे ये ऑल रेफरेंस बुक्स, याद रखना ऑल रेफरेंस बुक्स करना तभी आएगा वो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गो का मतलब एनर्जी, ड्राइव, लाइवनेस, अब इसमें जो आपको स्प्रिट, अब आपको जो एप्रोप्रिएट लगे यहाँ से आप उसमें डाल सकते हैं, ये नाउन के रूप में नाउन्स है ना, और ये देखिए नीचे वर्ब दे रहा है ना। ठीक है,
ये सारा देखो, गो ऑफ ये फ्रेज दे रहा है ना, तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है, देख रहे हैं आप इसको सर्च करो, रिसर्च करके, और उससे रिलेटेड कोई वर्ड अगर आपको अप्रोप्रिएट लगे तो आप इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे सपोज कोई भी एक कर देता हूँ यहाँ पे, है ना। देखिए अगर आपको एंटोनीम, अगर उसके बगल में एंटोनीम देना है तो उसके बगल में एंटोनीम डाल दीजिए, ठीक है। तो ये मेन पर्पज था बताने का कि इफ यू वांट टू रिसर्च एज ए ट्रांसलेशन एंड थीसिस, यू कैन यूज द रिव्यू टैब एंड रिसर्च ऑप्शन, जो करके मैंने बताया। अब इसका यूज आप करिए और बताइए कि कैसा लगा वीडियो, है ना। और इसके आने वाली वीडियो में देखिए बहुत सारी चीजें होने वाली, मैं आपको छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ आजकल। मैं चाहता हूँ कि आपको एक एक ऑप्शन करके बताऊँ, छोटा छोटा ऑप्शन करके, जिससे कि आप आसानी से समझे और उसको आसानी से कर सके, है ना। अभी जैसे अगले वीडियो में हम लोग स्पेलिंग की बात करेंगे, ठीक है। उसके न्यू कॉमेंट्स, कॉमेंट से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, तो हो सकता है ये थोड़ी बड़ी वीडियो बने कॉमेंट के ऊपर, है। मैं चाहूंगा कि इसको, चूंकि इसको पार्ट करने से आपको बातें समझ में नहीं आएगी, तो मैं इसको क्या करूंगा, एक ही वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चेंजेस पे बात करेंगे जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं एक्सेल में, आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए हमारी वीडियो, और वीडियो पसंद आती हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर कोई डाउट रह जाए आपका तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और शेयर करने लाइक अगर लगे वीडियो कि दूसरे को भी बताना चाहिए इसके बारे में, तो आप इसको शेयर भी कर लिया कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस। थैंक यू, बाय बाय।